नमस्ते आप सभी को, आप सभी का एलसी ऑफिशियल कुकिंग में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर उबला हुआ आलू कट करके दिया हुआ है, इसको ज़्यादा मोटा बारीक नहीं कट करना है, थोड़ा ये जाड़ा ही रहना चाहिए, मोटा ही रहना चाहिए। उसके बाद इसको क्या करने का, जब आलू बॉईल करते समय ज़्यादा पकाने का नहीं, एक या दो सीटी ही रखने का, आलू थोड़ा कच्चा ही रहना चाहिए। अभी मैंने इसको ऐसे ही उबाला है और कट करके ले लिया है। मैंने कढ़ाई में तेल डाला हुआ है, अभी इसमें हम ये उबला हुआ आलू डालेंगे और फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा एकदम क्रंची क्रंची बनके रेडी हो रहा है। अब ये लगभग हो चुका है, अभी इसको ये बर्तन में निकालेंगे। सारा ऐसे बना के लेने का है सारा। अभी मैंने सारा आलू को फ्राई करके ले लिया है। अभी फ्राई किए हुए आलू को एक बर्तन में निकालेंगे। फ्राई वाले आलू को एक बर्तन में ले लिया है, उसमें अभी सामान ऐड करेंगे। इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ आधा चम्मच के लगभग, इसमें आधा लाल मिर्च डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी इसमें। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ मैं। अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं दो चम्मच के लगभग इसमें सॉस डाल रही हूँ, उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए मैंने अच्छे से सारा मिक्स करके ले लिया सब सामान जो डाला हुआ था। अभी इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे सर्व करने के लिए। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हो गया, टेस्टी भी लगता है बहुत खाने में। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। बच्चे लोग के टिफिन में भी आप इसको अच्छे से बना के दे सकते हैं। चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।